अम्मा जी, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं और इस औरत ने आपको सब सुनाई होगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते कि हम आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे? हम बताते हैं। बुलबुल, देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस औरत ने आपको इतने सालों से जो उल्टी रामायण पढ़ाई है ना, तो थोड़ा असर तो होगा ही। पर एनीवेज, आप मिश्रा जी की अम्मा जी हैं, आपको हम इस घर में एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर इस औरत और उसकी बेटियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। यकीन कीजिए अम्मा, हम ऐसा। सुनो बाबू, आप जरा अंदर चलिए, हमें आपसे बात करनी है। मगर ललिता जी, गुड्डू जी, हम सबके सामने तमाशा तो नहीं कर सकते ना। लाली, तुम अंदर जाओ, जा मेरे बाबू को लेकर, हम यहाँ खड़ा है, जाओ। हमरे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे और डेरा जमाए बैठी है। का कमाल है, का कमाल है। खिसियानी बिल्ली ना खंबा नोचता है। ललिता जी, ये सब क्या हो रहा है? अम्मा जी ने जो कुछ भी कहा, कहीं उसमें कोई सच्चाई तो नहीं? वहां मिश्रा जी, आपकी अम्मा जी ने कहा तो आपने मान लिया, और हम आपकी पत्नी है, आपको हम पे भरोसा नहीं? अरे ऐसा नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। आपको हम पे या हमारे प्यार पे कभी भरोसा था ही नहीं, इससे तो अपनी शादी की बात हमसे। अरे ललिता जी, हमारी बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन मिश्रा जी, जो लेकिन शब्द है ना, बहुत खतरनाक है। सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं होने का एहसास दिलाता है। आज तक हमारे रिश्ते के बीच में कभी लेकिन था क्या? ये जो दूसरी औरत है ना, अपनी बेटियों के साथ यहाँ पे हम दोनों के बीच में लेकिन क्रिएट करने आई है। इसका मतलब आज जो कुछ भी हमने सुना वो झूठ है। नहीं मिश्रा जी, अम्मा जी ने जो भी कहा उनकी एक एक बात सच है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें ना आपका कोई हाथ है ना हमारा। अरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं मिश्रा जी, ये रंजू बहुत चालाक औरत है। इस शहर में आके उसने आपकी दौलत और रुपए को देखा है और वो पागल हो गई है। वो अच्छी तरह जानती है कि इस आलीशान हवेली में आपके साथ रहने का उसे कोई भी आसानी से मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसने अपनी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी की ताकि उस मुश्किलों को वो मौके में बदल सके, और उसी मौके का फायदा उठाकर वो आज अपनी बेटियों के साथ हमारे दरवाजे पर है। मिश्रा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस रंजू की बातों में नहीं आएंगे। आपको हमारी कसम। लग रहा है ये चम्मक चलो गुड्डू मिश्रा को लंबा पाठ पढ़ा रही है, पर हम तो यहाँ खड़े खड़े ना बोर हो गए। अम्मा जी, बात विचार करके सच का पता लगा लिया कि अब भी कौनो शंका है? अम्मा जी, आपकी इस बहुरिया को बहुत घमंड था ना अपने कमाई पर। भेजे हुए पैसे मुंह पर मारा था ना इसने, लेकिन बाद में पता चला इसे चार चार बेटियों की जिंदगी संवारना
इसके अकेले भूते की बात नहीं तो आपको ढाल बनाकर अपना हक जमाने आ गई है यहाँ। गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर। हम अपनी बेटियों को इतना काबिल बना रहे हैं कि उनको किसी के सहारे की जरूरत ना ही पड़ेगी, लेकिन जब आपने हमसे हमारा सहारा ही छीन लिया तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। चलो अच्छा है तुम्हारी असलियत इतनी जल्दी सामने आ गई, अब हमें पता चल गया कि तुम क्या चाहती हो। ये लो। जितना पैसा तुम्हें चाहिए ले लो। और हमारी जिंदगी से निकल जाओ। हम कहते चली जाओ यहां से। बहुत हुआ मिश्रा जी, आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारी मां पर हाथ लगाएं। और आपको यह भी हक नहीं था कि आप अपने पुराने वादे के लिए किसी के साथ भी हमारा रिश्ता जोड़ दें। 14 साल तक तो आपने मुड़कर भी नहीं देखा और फिर एक दिन अचानक से आ गए बाप बेटी का रिश्ता निभाने। गुड्डू मिश्रा जी, बड़ी होती बेटियों को पैसों की नहीं पिता की जरूरत होती है, और आप तो रिश्ते भी फायदे के लिए बनाते हैं। और फायदा कमाने का ऐसा भी क्या चस्का कि आपने दादी और दादा का घर ही बेच दिया। आप बकवास कर रहे हो तुम। वो तुम्हारे दादा दादी से पहले हमने माँ बाप हैं, उनकी चीजों पर हमारा पूरा हक है।